स्टेज पर मैं संगीता भटेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप में से कुछ ने पुदीने की चटनी की डिमांड की है, तो आज हम पुदीने की चटनी ही बना रहे हैं। ये दो तरीके से आप किस तरीके से आसानी से घर पे बना सकते हैं, यही मैं शेयर कर रही हूँ। आपको पसंद आए तो आप रोलिक स्टेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। धनिया पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, रफली चॉप करना है आपने इसे, एक टमाटर मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ, 5 से 7 हरी मिर्च, इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंगो, रॉ मैंगो लिया है मैंने, कच्चा आम, ये भी खटाई, जितनी आपको खट्टा पसंद हो उस हिसाब से मैंने 4 से 5 फांके लिए हैं इसकी। धनिया, थोड़ा सा धनिया, और पुदीने की चटनी है तो पुदीना, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। पुदीना मैंने तकरीबन आधा गुच्छी लिया है, 50 ग्राम के आसपास है ये। सबसे पहले हम ग्राइंडर में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, रॉ मैंगो और नमक डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, अब इसमें हम धनिया और पुदीना डाल के एक बार फिर से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमारी धनिया पुदीने की चटनी तैयार हो गई है। एक और तरीका है इसे बनाने का फ्रेंड्स, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने लिया है मिंट, पुदीना, एक मीडियम साइज का प्याज, 5 से 7 हरी मिर्च, एक नींबू का रस, नमक, थोड़ा सा धनिया और एक गुच्छी के करीब ये है पुदीना। तो ग्राइंडर में सबसे पहले हम हरी मिर्च, प्याज और नमक डालेंगे। अगर आप प्याज अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह टमाटो को यूज कर सकते हैं। पुदीना गर्मी में बहुत अच्छा होता है। लाइम जूस डाला मैंने इसमें और इसको ग्राइंड करूंगी। इसको ग्राइंड करने से ये प्रॉपर पेस्ट आ जाता है। जब हम एक साथ सारी चीजें पीसते हैं तो वो बहुत स्मूथ फाइन पेस्ट बन जाता है, जो कि नहीं चाहिए। चटनी थोड़ी इस तरीके से मोटी दरदरी ही अच्छी लगती है, तो इसलिए पहले इसको थोड़ा पीस लेंगे, देन ये ऐड करके फिर पीस लेंगे। ये मैंने पीस ली है। ये दो तरीके हैं पुदीने की चटनी को बनाने के, आप दोनों तरीके से इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसी हैं बट टेस्ट दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। गर्मी के लिए बहुत अच्छी हैं। लीजिए, तैयार है हमारी पुदीने की चटनी। इसे आप बनाइएगा और खाइएगा, और फ्रोलिक स्टेज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।